हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आरके सक्सेस एकेडमी। और आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो लास्ट वीडियो की कंटिन्यूशन में है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के सेकंड पार्ट में आज हम क्या स्टडी करेंगे, आज हम स्टडी करेंगे वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कि वो कैसे एक साइकिल में अपने आप वर्क करते हैं, फेजेस क्या होते हैं इकोनॉमी के। और हम आज करेंगे जो नेशनल इनकम के वेरियस टाइप्स हम पढ़ते हैं या फिर वेरियस कॉम्पोनेंट्स पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशंस पढ़ते हैं, ये हम नेशनल इनकम को किस किस तरह से लिख सकते हैं या फिर किसी और कॉम्पोजिशंस में उसको कैसे लिखा जा सकता है। गाइस, आज की ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम वो करेंगे एक जो मेथड मैंने खुद इवॉल्व किया है, जो जिसका नाम भी आप बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको बहुत ईजी रहेगा जो नेशनल इनकम का वेब है उसको समझने में, ठीक है। काफ़ी बच्चों की ये क्वेरीज आती रही है मेरे पास पहले भी कि कैसे हम इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं, कि जो नेशनल इनकम का जो मुश्किल सा डायग्राम हमको काफ़ी बुक्स में मिलता है जिसको समझने में बहुत दिक्कत आती है, उसके बजाय हम एक बहुत ईजी डायग्राम समझेंगे। अगर आपको 3D की जरा भी सेंस है तो आप बहुत ईजीली समझ जाएंगे उस डायग्राम को, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है द 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो किन फेजेस के अंदर वर्क करती हैं या फिर वो कैसे रन करती हैं, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके में कि क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, कि कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी हम बात लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो गई हमारे पास, अब उस जो प्रोडक्शन हुई है वो क्या होगी, उसी के बदले में क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, किसके लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि जो जनरेशन ऑफ इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वो इनकम जनरेट हुई वो क्या अलग करेंगे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको एक्सपेंडिचर में करेंगे, उसी चीज का वो क्या करेंगे, अपनी जो इकोनॉमी है उसके अंदर उसको पेमेंट करेंगे, खर्च करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ, फिर कुछ ना कुछ उसके एवरेज में हमको इनकम मिली, इनकम को हमने खर्च कर दिया, और उस खर्चे के जो वो खर्चा किसको मिलेगा, वो एज एन इनकम मिलेगा किसको, जो फर्म्स हैं इकोनॉमिक के अंदर उनको। तो ये बिल्कुल एक साइकिल की तरह हो गया। अब इसी साइकिल को कैसे हम अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर रन कर सकते हैं वो हम समझते हैं। तो ये तो बेसिकली क्या थे, फेजेस थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। अब इन्हीं फेजेस को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कैसे लिंक कर सकते हैं, आइए उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आप क्या समझते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये कहता है कि जो भी इनकम जनरेट होगी वो ऐसे होगी कि एक पर्सन एक्सपेंड करेगा या फिर एक पर्सन का खर्चा होगा, दूसरे की इनकम होगी। इसी तरह से बेसिकली चीजें काम करती है इकोनॉमी के अंदर, कि इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर होते हैं, हम सेक्टर्स पढ़ेंगे कौन कौन से सेक्टर्स की हम बात करेंगे, तो जितने भी सेक्टर्स होते हैं तो एक सेक्टर का खर्चा होता है, दूसरे सेक्टर की इनकम होती है, ठीक है। इस चीज से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि एक सेक्टर खर्च कर रहा है, एक सेक्टर उसको उसके लिए इनकम हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कर रहे हैं 2 सेक्टर का मॉडल कर रहे हैं, जहां पर 2 सेक्टर्स की बात करेंगे हम इकोनॉमी के अंदर, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर 2 ही सेक्टर है। तो 2 सेक्टर जो सबसे मेन होते हैं वो कौन से होते हैं, यहां पर जो सबसे मेन सेक्टर्स हैं वो है हाउसहोल्ड और फर्म्स और हाउसहोल्ड। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, क्यों, क्योंकि जो हाउसहोल्ड है वो क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म्स क्या करती हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन को कैरी आउट करती हैं, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं उस चीज को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर आता है फाइनेंशियल मार्केट्स कुछ ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनकी मदद से ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो इसको कहीं जगह पर मैंने स्टडी किया था तो ये था कि इसको कईयों ने अलग से सेक्टर भी मान रखा है, बट ये एज एन सेक्टर नहीं होता, मोस्टली केसेस में यही इसको अलग से
बीच में एक एज एन हेल्पिंग के लिए यूज किया जाता है कि इन दोनों सेक्टर का इंटरेक्शन ईजी रहे, तो हम भी इसको एज एन अलग से सेपरेट सेक्टर की तरह स्टडी नहीं करेंगे इसको यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये सेक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो हाउस होल्ड रहता है वो क्या करेगा, हाउस होल्ड सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करेगा, कुछ ना कुछ सर्विसेज देगा। सर्विसेज दी, सर्विसेज किसको दी, फर्म्स को दी, लेबर दी, लैंड दिया, कैपिटल दी, और भी जो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और भी किसी वे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब दिए किसने, हाउस होल्ड ने फर्म्स को। फर्म्स ने क्या किया, एक्चुअल प्रोडक्शन का काम किया। फर्म्स अब यहाँ पे क्या कर रही हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्शन का काम है वो करेंगी फर्म्स यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा, वही चीज वो हाउस होल्ड को कैसे दे देंगी, एज एन गुड्स या फिर सर्विसेज, ठीक है। अब जो सामान है या फिर जो फिजिकल चीजें हैं उनका तो बिना मॉनेटरी टर्म्स में एक्सचेंज हो गया, लेकिन जो ये हमने जो मेन फैक्टर्स का एक्सचेंज किया है उसके बदले में, उसके एवज में हमको क्या मिलेंगी, हमको पेमेंट्स मिलेंगी इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पेमेंट्स, ठीक है। होप क्लियर हो रहा होगा आपको। तो उन पेमेंट्स को हम कैसे कंसीडर करेंगे, जो सर्विसेज तो हाउस होल्ड ने दी फर्म्स को, उनके बदले में उनको क्या मिल जाएंगी, फैक्टर पेमेंट्स, ओके। अगर आपने कमेंट नहीं किया जाता तो यहाँ वहां पर भी यही था, फैक्टर पेमेंट्स मिलती है उनको, ठीक है, जो इनकम जनरेट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्म्स क्या दे रही हैं, आप फैक्टर पेमेंट्स दे रही हैं इनको, हाउस होल्ड को, और जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड परचेज कर रहा है उसके बदले में वो क्या कर रहे हैं, वो उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके बदले में जो पेमेंट कर रहे हैं वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये दोनों आपस में कैसे वर्क करते हैं। अब इनकी हेल्प फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो कैसे करती हैं, वैसे करती हैं कि जो हाउस होल्ड हैं वो अपनी प्राइवेट सेविंग किसको दे सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को, और पर्सनल लोन्स इनसे ले भी सकते हैं। वहीं जो फर्म्स हैं वो क्या कर सकती हैं, अपनी जो सेविंग्स हैं, एक्स्ट्रा सेविंग्स जो बच जाती हैं, जो वर्किंग कैपिटल से एक्स्ट्रा कैश बच गया, वो सब चीज़ें हम वो क्या कर सकती हैं, डिपॉजिट कर सकती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, और वो इन्वेस्टमेंट लोन ले सकती हैं इन फाइनेंशियल मार्केट से। तो ये इनके बीच में एक जो एजेंट की तरह काम करता है कि उनको जो कैपिटल की दिक्कत ना रहे ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे वो इनसे पेमेंट लेके जो इनकी सेविंग्स होती है उसके अगेंस्ट में लोन दे देता है। मोस्टली जितने भी इकोनॉमिक्स के अंदर है वो यही चलता है कि जो सेविंग्स हैं वो तो ज़्यादा हाउस होल्ड से आती हैं और जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा फर्म्स में ही जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो चेंज आता है वो कौन से सेक्टर का आता है वो हम देख लेते हैं। तो जो चेंज यहाँ पर आ रहा है वो किसका आ रहा है, गवर्नमेंट का। तो जो थर्ड सेक्टर हम स्टडी करेंगे हमारे जो थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर वो क्या आएगा, गवर्नमेंट का। तो जो पिछली वर्किंग थी वो तो लगभग सेम वैसे ही चल रही है, इसको यहाँ तक देखिए तो ये आपके लिए क्या बन गया, ये जो टू सेक्टर का मॉडल था वो सेम वैसे का वैसे वर्क कर रहा है कि जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जा रही हैं उनके बदले फैक्टर पेमेंट्स आ रही हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हैं उनके बदले में कस्टमर एक्सपेंडिचर हो रहा है, वहीं जो फाइनेंशियल मार्केट है उससे भी सेम चल रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कैसे इंटरेक्ट करेगी, गवर्नमेंट इन दोनों सेक्टर से क्या लेगी, टैक्स। फर्म से भी टैक्स लिया जाएगा और हाउस होल्ड से भी टैक्स लिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है कि फर्म्स ज़्यादातर मतलब कि दोनों ही चीज़ें वैसे तो रहती हैं कि वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी रहते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस भी रहते हैं, दोनों से ही अपने अपने तरीके से, कि जो फर्म्स की इनकम है उस पर डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा और जो ट्रांजेक्शन्स में वैल्यू एडिशन्स में हो रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा, ऐसे ही हाउस होल्ड के साथ भी हो जाता है। अब वो ये तो चीज़ थी जो गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट देती क्या है इसके बदले में, सबसे मेन तो रहता है एक तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं, किसको जाती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, हाउस होल्ड्स को, कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनको क्या करती है गवर्नमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट्स करती है। सबसे वैसे ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी हो सकती हैं और यहाँ पर फैक्टर पेमेंट्स भी हो सकती हैं कुछ केसेस में, अगर कुछ जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर गवर्नमेंट सीधा वहीं से ले रही है तो, ठीक है। और ट्रांसफ़र पेमेंट्स किस तरह की हो सकती हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप्स हो गई,
ठीक है, सब्सिडीज हो गई, इस तरह की जो पेमेंट्स होती हैं जिनके बदले में उसको कुछ भी नहीं ले रही गवर्नमेंट, वो सब पेमेंट्स क्या होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट अपनी सोसाइटी में देती है, ठीक है। और जो फॉर्म्स के लिए वो क्या करती है, फैक्टर पेमेंट्स करती है, ज़्यादातर सब्सिडीज भी दे देती है कई बार, काफ़ी बार, बट वो मेन क्या रहता है वहाँ पे, फैक्टर पेमेंट्स रहती है कि उसने कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन से परचेज कर लिया, इस तरह की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट से कैसे इंटरेक्ट करती है गवर्नमेंट, तो जो पब्लिक सेविंग्स हैं, एक तरह से यूँ लगा लीजिए जो गवर्नमेंट का पैसा है वो गवर्नमेंट कहाँ पे रखती है, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ही रखती है पब्लिक सेविंग्स के थ्रू, ठीक है। वहीं जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो फाइनेंसिंग करके इन्हीं मार्केट से ले भी सकती है। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमारा बैंक होता है वैसे ही गवर्नमेंट के भी बैंक होते हैं। और गवर्नमेंट का कौन सा बैंक है हमारी गवर्नमेंट का, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो कोई भी बता देगा। तो ये है RBI, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, RBI को हम फाइनेंशियल मार्केट में ही लिख देते हैं कि गवर्नमेंट का बैंक हो गया RBI, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कैसे वर्किंग होती है। एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम कर रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे हर एक सेक्टर के अंदर अपने आप सर्कल चलता रहता है। तो अब जो फोर्थ स्टेप या फिर हम तीसरा जो हमारा मॉडल है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी फोर सेक्टर्स को स्टडी करते हैं कि जिस इकोनॉमी के अंदर चार सेक्टर होंगे। अब जो चौथा सेक्टर एक्स्ट्रा हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, चौथा सेक्टर जो एक्स्ट्रा है वो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, फॉरेन की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम के हिसाब से, पहले नहीं था इतना, लेकिन आज के टाइम में जब पूरी एक जो अर्थ है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है, आपस में ट्रेड बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारी एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर जो फॉरेन सेक्टर है वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। अब तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो थ्री सेक्टर हमने पढ़ा था वो तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही है, एज सच का एज सच, ठीक है। अब जो मेन चेंज यहाँ पर आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, वो आ रहा है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर या फॉर्म सेक्टर्स वो क्या करती है, पेमेंट्स करती है, किसके लिए, इम्पोर्ट्स के लिए। हम बाहर से कुछ ना कुछ इम्पोर्ट करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट्स हम कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया अमेरिका से, ठीक है, तो उसके लिए आप जो पेमेंट करेंगे वो अमेरिकन गवर्नमेंट को ही जाएगी या फिर अमेरिका किसी की फर्म को ही जाएगी, तो वो कहाँ चली गई, इनकम हाउस होल्ड से कहाँ चली गई, फॉरेन में, ठीक है। वहीं कोई बिजनेस है जो कि क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल मंगा रहा है, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ठीक है, HPCL, वो क्या करती है, वो मंगवाती है क्रूड ऑयल, कहाँ से मंगवाती है, सऊदी कंट्रीज से मंगवाती है, ठीक है, जो ओपेक जिनको रन करती है उन कंट्री से ज़्यादा मंगवाती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि उनके लिए जो पेमेंट होएंगी वो भी क्या होएंगी, पेमेंट्स ऑफ इम्पोर्ट टू द फॉरेन सेक्टर, ठीक है। इनके बदले में क्या मिलेगा हमको, हम जो जो ये तो क्या था, हम जो इम्पोर्ट कर रहे थे उसके बदले में पेमेंट कर रहे थे, ठीक है। अब हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी तो हमको कुछ पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अब जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो ज़्यादातर कैसी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, इंडिया जूट एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया का एक्सपोर्ट करता है, इंडिया ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। तो आज का क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि आपको ये बताना है कि इंडिया की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या क्या आइटम्स हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो ऐसे मत समझिएगा कि ये ऐसा ही क्वेश्चन है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बताना है आपको कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट्स में लिखिए, सर्च करिए, आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सर्च करिए और सर्च करके लिखिए, और जरूर लिखिए क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन से हमारा दिमाग क्या होता है, रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए और वापस वीडियो भी आ जाइए। होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो हम आगे देखते हैं कि हमने क्या किया, अब जो हमने एक्सपोर्ट करी, जो भी आइटम्स आपने लिखी हैं, उन आइटम्स के बदले हमको क्या मिलेगी, पेमेंट्स मिलेंगी, जिनको हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरी पेमेंट्स कौन सी मिलेंगी हमको, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स किसको जाएंगी, हाउस होल्ड सेक्टर को जाएंगी। अगर मान लीजिए फॉरेन के अंदर आपका कोई रिश्तेदार काम करता है,
वो वहां से आपको पेमेंट भेज रहा है, तो वो कैसी पेमेंट होगी? फैक्टर पेमेंट होगी, ट्रांसफर पेमेंट होगी। सोचिए, ट्रांसफर पेमेंट होगी, क्यों? उसके बदले आप उसके लिए कोई भी फैक्टर्स और प्रोडक्शन वाला काम नहीं कर रहे, ठीक है? तो वो क्या होगी, वहां से वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर पेमेंट्स कर रहा है, या फिर वो अपने घर वालों के लिए पैसा भेज रहा है, मान लीजिए नॉर्मल सी बात है, तो वो क्या होगी, ट्रांसफर पेमेंट होगी वहां से उसके लिए। तो वो ज्यादातर किस में जाती है, हाउस होल्ड में ही जाती है। कुछ केस ऑफ एक्सेप्शंस रह जाते हैं, बट वो इतने ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए बेसिक चीजें समझना जरूरी है यहाँ पर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ही जरूरी है। अगर ज्यादा डिटेल में जाने लग जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है? तो ये थे हमारे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि चार सेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं आपस में इंटर रिलेटेड होके, ठीक है? ये थी किसकी वर्किंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो है द नेशनल इनकम वेब। ये काफी जगह आपको टर्म भी नहीं मिलेगी कि नेशनल इनकम का वेब क्या होता है, और आज हम आपको इसके लिए बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड वे से समझाएंगे कि आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि जो नेशनल इनकम के टाइप्स हैं वो कौन से होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है? तो जो ये नेशनल इनकम का वेब है, इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में कौन सी टर्म दी है इजीली समझने के लिए, एक क्रिस्टल की टर्म दी है। क्रिस्टल क्या होता है, आप लोगों को मोस्टली पता ही होगा। क्रिस्टल बेसिकली इस फॉर्म के होते हैं, वो नुकीले से होते हैं थोड़े से, और नीचे से सिलेंड्रिकल से शेप के होते हैं। तो उस चीज को यहाँ पर मैंने एक 3D फॉर्मेट में बनाया है। होप 3D चीजें आपको क्लियर होंगी अच्छे से कि 3D फॉर्मेट कैसा होता है। तो जैसे ये तो उसकी फ्रंट साइड है जो बोल्डेड बोल्ड लाइन्स हैं, और डॉटेड लाइन्स उसकी जो बैक साइड है जो विजिबल नहीं होती फ्रंट से, वो वाली है, ठीक है? इसको एज ए 3D ऑब्जेक्ट की तरह समझने की कोशिश करिए कि जैसे प्रिज्म होता है, ये तो एक प्रिज्म हो गया, ठीक है? ये प्रिज्म हो गया एक, उसके ऊपर हमने एक जो पिरामिड तो नहीं बोलेंगे उस चीज को, हम बोलते हैं एक टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या होता है, बेसिकली ट्रायंगल्स होते हैं, तीन ट्रायंगल्स या चार ट्रायंगल्स आपस में अरेंज होते हैं, वही होते हैं टेट्राहेड्रन की शेप होती है। बेस एक ट्रायंगल और जो तीनों एजेस हैं उनके ऊपर भी हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, टेट्राहेड्रन। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बेसिक से डायग्राम में एक प्रिज्म ले रहे हैं, ऊपर एक टेट्राहेड्रन बना रहे हैं और एक नीचे टेट्राहेड्रन बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली कि GDP एट MP से हम NNP एट FC का सफर तय करेंगे, ठीक है? तो NNP एट FC क्या है, हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है? और GDP एट MP क्या है, जो हम नॉर्मल बातचीत में बोलते हैं हमारी कि GDP क्या है, जो नेशन की GDP है, या उससे रिलेटेड जो भी हम आंकड़े पेश करते हैं, जो भी फिगर्स हमारी जो सरकार लॉन्च करती है वो करती है, वो चीज से रिलेटेड होते हैं GDP एट MP से। तो किसी GDP एट MP से हम नेशनल इनकम कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे, और उसके लिए भी मेरा एक बेसिक सब बहुत अच्छा रूल है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है? तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे हम कि GDP एट MP से NNP एट FC तक आएंगे। अब एक बेसिक सी चीज समझ के देखिए, यहां पर GDP एट MP और NNP एट FC, जो ये प्रोडक्ट है ये तो मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो बाकी तीनों फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स के अंदर चेंज आ रहा है, GDP एट MP में भी और ये FC भी चेंज हो रहा है। तो G का तो N हो गया, D का N हो गया और MP का FC हो गया, तो तीनों चीजें चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही हैं। तो ये भी बिल्कुल आसान तरीके से ऐसा ही है कि हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो इस स्टेज के ऊपर फर्स्ट एक चीज को चेंज करेंगे उनमें से, इस स्टेज पे दूसरी चीज को चेंज करेंगे और यहां पर तीसरी चीज को चेंज करेंगे। उसके उसके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं कि हम उस चीज को कैसे करेंगे वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि वो वर्किंग हम कैसे करेंगे इसके अंदर। उसके लिए जो मैंने रूल दिया है उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, वो भी आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो कैसे हम स्टडी करेंगे इस चीज को, सबसे पहले हमारे पास क्या है,
GDP@MP, इससे हम इन तीनों चीज़ों के पास जा सकते हैं कि हमने यहाँ पर देखिए बेसिक से, अभी बेसिक से बता रहा हूँ, अभी डिटेल में हम आगे करेंगे। इसमें क्या हो रहा है देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ एक लर्ट को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, एम पी का हमने क्या बना दिया, एफ सी बना दिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने क्या किया, डी का क्या बना दिया, एन बना दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, जी का क्या बना दिया, एन बना दिया। तो हमने तीनों लर्ट, तीनों में से किसी एक एक चीज़ को चेंज कर दिया, ठीक है। अब वो एक चीज़ चेंज हो चुकी है, यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, यहाँ पर क्या चेंज हो गया, यहाँ पर हमने एन चेंज किया था, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये चेंज किया था, ये वाला है फर्स्ट वाला। अब देखिए सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अगर इसी को हम नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये तो ऐसे सिंपल डायरेक्शंस में हो ही गया। अब इसी को नीचे सेकंड लेवल पे ला रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर एन भी चेंज कर रहे हैं, एफ सी चेंज हो चुका, एन को और चेंज कर दिया। यहाँ पर एन चेंज हो चुका था हमारा, हमने किसको और चेंज कर दिया, आगे वाले एन को और चेंज कर दिया, ठीक है। और तीसरे में क्या कर दिया हमने, जो हमारा फर्स्ट वाला एन चेंज हो ही चुका था, अब हमने क्या चेंज कर दिया, यहाँ पर एफ सी को और चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम तीसरी चीज़ को चेंज करते हैं, इसमें तीसरी चीज़ को चेंज कर दिया तब भी एन एन पी एट एफ सी आ गया, इसमें तीसरी चीज़ को चेंज कर दिया तब भी एन एन पी एट एफ सी आ गया, इसमें तीसरी चीज़ को चेंज कर दिया तब भी एन एम एन एन पी एट एफ सी आ गया। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, सिंपल से समझ के करेंगे बहुत ईजीली हो जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो खुद के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सिंपल से ही करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर और अच्छे से समझना चाहे तो मैं अपना जो मेन रूल रहता है वो देता हूँ आज आपको, और बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, बहुत इजी रूल है। उस रूल का नाम हमने क्या रखा है, ट्रैफिक लाइट रूल। ट्रैफिक लाइट कौन कौन सी होती है, होप आप सबको ही पता होगा, और नहीं पता होगा तो ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि नया एक्ट आ चुका है, बहुत मोटा चलान होने वाला है आपका, ठीक है। होप आपको पता ही होगा कि ट्रैफिक लाइट रूल कौन सा, कौन कौन सी कलर की होती है। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर बेसिकली इसको क्या किया है, उनको इसी में हमने यूज़ कर लिया है। तो हमारे जो तीन लेटर्स हैं जो जिनमें अंदर मेन चेंज आ रहा है, वो कौन से हैं, या तो हमारी क्या होगी, नेट होगी कोई चीज़, या ग्रॉस होगी, उसको हमने लिख लिया रेड लेटर से, ठीक है। या फिर कोई चीज़ कैसी होगी, डोमेस्टिक होगी या नेशनल में होगी, उस चीज़ को हमने किस लिए लिख दिया, येलो लेटर से, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है उसको हमने कैसे लिख लिया, जो फैक्टर कॉस्ट होगी या मार्केट प्राइस होगी, उस चीज़ को हमने कैसे लिख दिया, ग्रीन कलर से, ठीक है। अब इस चीज़ की वर्किंग कैसे आएगी, सिंपल सी बात है, अगर आपको जी डी पी एट एम पी से एन एन पी एट एफ सी तक जाना है तो आपको क्या करना होगा, एक बार रेड लाइट जाना होगा, एक बार येलो लाइट पे जाना होगा, और एक बार ग्रीन लाइट पे जाना होगा, रेड येलो ग्रीन। सिंपल सी बात समझ आएगी, रेड लगाओ, ग्रीन लगाओ, येलो लगाओ, आप एन एन पी एट एफ सी पे आ जाओ, ठीक है। अब जो मेन कॉम्प्लिकेशन यहां पर इस पूरे प्रोसेस में है वो क्या है, कि इनका जो सीक्वेंस है वो हमको मेंशन नहीं है, वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, कि आप पहले येलो पे जाकर फिर रेड पे आकर आ सकते हैं, या फिर मतलब कोई भी सीक्वेंस हो सकता है इनमें से, फिर पहले रेड ले लो फिर येलो कर लो फिर ग्रीन कर लो, पहले येलो कर लो फिर रेड कर लो फिर ग्रीन कर लो, पहले ग्रीन कर लो फिर येलो कर लो फिर रेड कर लो, या फिर पहले ग्रीन कर लो फिर रेड कर लो और फिर येलो कर लो, ठीक है। तो ये जो ऐसा प्रोसेस है, इसमें हमको जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लगा के देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल से मिलेगा कि 6 स्टेप्स हो सकते हैं इस चीज़ के, ठीक है। दो इसके और दो उसके, कि जब दो दो में तो जब पहले येलो आ रहा है, दो में पहले रेड आ रहा है, और दो में पहले, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूँ भी आपको, अगर किसी ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया तो उसको 100% पता ही होगा इस चीज़ का कि ये कैसे होता है। तो गाइज ये हमारे जो बेसिक तरीके हो सकते हैं इस फॉर्मूले में जाने के लिए, वो ये हो सकते हैं कि हम रेड ग्रीन येलो आ सकते हैं, रेड येलो ग्रीन आ सकते हैं, येलो रेड ग्रीन आ सकते हैं, ग्रीन येलो रेड आ सकते हैं, ग्रीन रेड येलो आ सकते हैं, या फिर येलो ग्रीन और रेड आ सकते हैं, ठीक है। अब कैसे इन फॉर्मूलाज में रन करना है हमको, वो ऐसे समझ के देखिए कि हमने सबसे पहले क्या किया, रेड येलो या ग्रीन में से एक चीज़ को चूज़ कर लिया। अब क्या किया हमने, जैसे ही हमने रेड को चूज़ किया,
तो हमारा जीडीपी एट एमपी था, रेड का मतलब है डेप्रिसिएशन। तो जब डेप्रिसिएशन का चेंज करेंगे हम, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एनएनपी एट एमपी। इस चीज को सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं हम कि जैसे ही रेड का होगा तो जी और एन वाला चेंज आएगा, जैसे ही येलो होगा तो कौन सा चेंज आएगा, डोमेस्टिक और नेशनल वाला चेंज आएगा, और जैसे ही हमारा जो ये प्रोसेस है वो ग्रीन में, ग्रीन ही जब इंडिकेशन देगा तब क्या होगा, हमारा जो फैक्टर कॉस्ट है और जो मार्केट प्राइस है उसका चेंज आएगा। एक बार सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, प्लस माइनस का हम अभी आगे जब मेथड्स करेंगे तब और अच्छे से करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा हमारा मेन पार्ट। अभी बेसिकली हम इतना जो बेसिक फंडा हमको क्लियर हो गया ना कि क्या आइटम कहाँ पे आनी है, प्लस माइनस की जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सी आइटम आनी चाहिए, तो आपको उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो भी हम आगे अभी कर लेंगे, यहीं पे ही जो नीचे यहाँ पर दिया हुआ डायग्राम उसमें हम अभी कर लेंगे वो भी कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ठीक है। तो बेसिक सी बात है कि इन चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। तो हमने क्या किया, देखिए जैसे ही रेड लाइट पे गए हमारा ये क्या हो गया, सबसे पहला वाला जी वाला क्या हो गया, एन हो गया। जैसे ही येलो लाइट पे गए तो क्या हो गया, डी वाला क्या हो गया, एन हो गया। जीडीपी एट एमसी क्या हो गया, जीडीपी एट एमपी क्या हो गया, जीएनपी एट एमपी। इन सब के अलग अलग मीनिंग हैं, वो आप सिंपली वैसे भी स्टडी कर सकते हैं, और इनके मीनिंग अगर आपको हर एक टर्म के करने भी हैं तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन इनमें से रहती हैं तीन टर्म सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक तो जीडीपी एट एमपी, ठीक है, दूसरी एनएनपी एट एफसी और तीसरी एनडीपी एट एफसी। ये तीन टर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनके अलावा कोई इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सिर्फ हमको प्रोसीजर के लिए इनको फॉलो करना पड़ता है ताकि हम इजीली उसको कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। और भी एक अगर कोई अगर दूसरी टर्म से रिलेटेड कुछ होगा तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेड येलो या ग्रीन में से एक लाइट पे आ गए, तो हमने क्या सफर तय कर लिया, जो टेट्राहेड्रन था हमारा उसमें हम फर्स्ट लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। अब बारी आएगी प्रिज्म की, प्रिज्म में हम क्या कर सकते हैं, दो तरफ मूव कर सकते हैं इसके अंदर, जो हमारा सेकंड लेवल होगा, या तो हम सीधा उसमें नीचे आ सकते हैं या उसमें डायगनली हम जा सकते हैं। जितने भी प्रिज्म वाले अब जो सेकंड लेवल हमारा आ रहा है इसके अंदर, उसमें हम क्या करेंगे, या तो नीचे ही चले जाएंगे। एनडीपी एट एमपी है तो हम रेड लाइट से तो होके आ चुके, अब क्या ले रहे हैं हम, ग्रीन ले रहे हैं, तो ग्रीन लेते ही क्या हो गया, एनडीपी एट एफसी हो गया। ग्रीन का मतलब थर्ड वाला था, थर्ड वाली आइटम क्या है ये, इसको ऐसे याद रखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा कि कैसे, रेड तो हमारा फर्स्ट है, येलो हमारा सेकंड है और ग्रीन हमारा थर्ड है। इस चीज़ से याद रखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो ग्रीन लेते ही थर्ड वाला वैल्यू चेंज, ठीक है, येलो लेते ही सेकंड वैल्यू, जैसे ये येलो ले लिया तो हमने सेकंड वैल्यू हमारी चेंज हो गई, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, पहले रेड ले लिया, फिर ग्रीन ले लिया, फिर येलो ले लिया, फर्स्ट चीज़ क्लियर होगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो येलो वाले से हमारे थे, या तो येलो येलो लेने के बाद हम क्या ले सकते थे, रेड ले सकते हैं जो हम सीधा नीचे उतर रहे हैं, या फिर डायगनली इधर आ सकते हैं हम ग्रीन लेके। हो आपको ये क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही ना, प्लीज गाइस मेंशन कर दीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर, तो मैं और भी क्लैरिफाई कर दूंगा इस कॉन्सेप्ट को। बेसिक सी बात है, आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, रेड येलो ग्रीन कि तीन स्टेप ही फॉलो करने हैं, वो किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमने ये वाला कुछ भी कर सकते हैं इसमें से। दूसरा हमने क्या कर लिया कि या तो येलो रेड होगा, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, बेसिक सी बात में कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जो रेड वाला ले लिया हमने, ये फर्स्ट रेड ले लिया, इसके बाद क्या क्या हो सकता था, या तो ग्रीन येलो हो सकता था या येलो ग्रीन हो सकता था। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, अगर मान लीजिए हम नीचे आ रहे हैं तो हम ग्रीन पहले लगा रहे हैं और बाद में येलो लगा रहे हैं, ठीक है। और हम येलो ग्रीन ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, इधर लेके डायगनली हम येलो पे आ रहे हैं और बाद में ग्रीन लगा रहे हैं। सारी जो कैलकुलेशन है वो सेम यही की यही रहेगी, फर्क किस चीज का आ जाता है कि हम पहले कौन सा कर रहे हैं और बाद में कौन सा कर रहे हैं। बेसिक सी बात इतनी ही है, ओके। होप आपको इतने में क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम क्या करेंगे कि हम इस जीडीपी एट एमपी पे कैसे आ सकते हैं, जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर
उसमें क्या रहता है कि हम जीडीपी एट एमपी भी हमको निकालना पड़ता है। तो वो जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, वो उसके दो मेथड्स होते हैं इस बेसिकली यहाँ पे समझ लीजिए, फर्स्ट मेथड थर्ड मेथड, जो नाम है वो नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे तो ईजी रहेगा, एक बार के लिए ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। और जो सेकेंड मेथड होता है वो उससे हमारा क्या निकल जाता है एनडीपी एट एफसी, और वहाँ से डायरेक्ट हमारी क्या निकल जाएगी एनएनपी एट एफसी। ठीक है, अच्छा एक जो प्लस माइनस रह गया था वो और देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, जब हमको ग्रॉस से नेट में जाना है, मोस्टली केस में ये होगा कि ग्रॉस से नेट में जाना होगा, तो हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हमको डोमेस्टिक से क्या जाना है नेशनल पे, जी डी पी एट एम पी ही मिलेगा आपको, तो जी एन एन पी एट एफ सी जाना है, तो हमको क्या करना है डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है उसको प्लस कर देंगे। अगर किसी केस में हमको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना पड़ रहा है तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, और जो तीसरा है वो क्या है, हमारे पास है फैक्टर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्रोडक्ट। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर एक सेकेंड, तब जब हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या जोड़ देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है मार्केट प्राइस आ जाती है। वहीं जब हमको इसमें रिवर्स ऑर्डर में जाना हो तो हम क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे। होप गाइस आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिए, मैं इसको और एलैबोरेट कर दूंगा। बहुत ईजी चीज़ है, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए, सिंपल सा ईजी करिए माइंड को, और सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि क्या करना है हमको, एक चेंज रेड में करना है, एक येलो में करना है, एक ग्रीन में करना है, हम एन एन पी एट एफ सी पे आ जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है उसके हिसाब से हम अलग अलग टर्म्स पे पहुंच सकते हैं, इस पे आ सकते हैं, इस पे आ सकते हैं, इस पे आ सकते हैं, फिर जो सेकंड चेंज करना है उसके बाद हमको ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, और थर्ड चेंज के बाद तो हमको मिल ही जाएगा एन एन पी एट एफ सी। इस डायग्राम से करेंगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपको अगर पुराना डायग्राम अगर आपको अच्छे से आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, और उसमें भी इसको लिंक करके देखेंगे तो बहुत इजी है, और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके लिए इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा मेथड्स रहेंगे कि हमारे जो तीन मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम के बेसिकली, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, और देखते हैं शायद एक न्यूमेरिकल से भी करेंगे, या न्यूमेरिकल नहीं भी हो पाएगा तो हम वैसे ही क्लियर कर लेंगे तीनों मेथड्स को। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। सो टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।